यहाँ पे एक कब्रिस्तान था ना, कहाँ पर है वो? हाँ यही है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गेयर। और भाई अभी जस्ट मैं निकला हूँ बाहर, और निकलते के साथ ही ना, ऑफिस से बाहर निकलते के साथ ही जो झपकियाँ लग रही हैं, थपकियाँ ये गर्माहट की, भाई बहुत बुरा हाल हो रहा है। 46 डिग्री सेल्सियस बहुत बड़ी बात होती है। सीरियसली इतना ज़्यादा गर्मी बढ़ चुका है आज के डेट में, यहाँ पे इतना ज़्यादा गर्मी बढ़ चुका है कि पूछो मत। 46 डिग्री सेल्सियस कितना ज़्यादा होता है, कैन यू इमेजिन दैट? कि जब मैं मॉर्निंग में आया था तब भी मतलब इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन हाँ दोपहर में अगर निकल जाओ ना भाई साहब, मतलब यहाँ पे है दिल्ली का ये है कि अराउंड 9-10 बजे के बाद अगर निकलना स्टार्ट करो तो भाई खुद ज़िम्मेदार हो गए आप। ये चीज़ हो रहा है यहाँ पे, बहुत ही बुरा एक तरीके से कह सकते हैं कि मतलब इतना ज़्यादा गर्मी है कि पूछो मत। बहरहाल मैं कल ब्लॉग नहीं डाल पाया क्योंकि भाई टाइम नहीं मिला मुझे, और ना ही मतलब मैं शूट कर पाया था, इसलिए मैंने जाने दिया। मैंने कभी कोई नहीं, कभी कभी जो है रेस्ट भी करना चाहिए इंसान को। तो अभी निकल चुका हूँ मैं भाई। मैं रोज़ डेली ब्लॉग डालता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ कि रोज़ डेली का ब्लॉग आए, कंटिन्यूसली मैं लाने की कोशिश करता रहता हूँ, लेकिन कभी कभी हो जाता है यार कि मतलब नहीं हो पाता। आप कितना भी कोशिश कर लो, इंसान हूँ यार, मशीन तो नहीं हूँ कि हाँ भाई कंटिन्यूसली जो मैं बोल दूँ वही चीज़ होता रहे, वो चीज़ नहीं हो पाती है। बट स्टिल ठीक है, कोई नहीं। अभी ये है कि हाँ, और दूसरी ये है कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, पेट्रोल की महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है पूछो ही मत, कि 500 कब ख़त्म हो जाता है ना पता नहीं चलता पेट्रोल में। सच बताऊँ तो जहाँ पहले 2000 में महीना निकाल देता था, आज के टाइम में वही है 4000 कम पड़ रहा है पेट्रोल के लिए सिर्फ महीना महीना चलाने का। तो काफ़ी ज़्यादा कन्विंस जो है अब जा रहा है पेट्रोल की वजह से, और यही हाल रहा तो भाई बहुत बुरा रहेगा। बहरहाल फ़िलहाल चलते हैं, देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं सारी चीज़ें। तो बने रहो ब्लॉग में, और सद्दाम ब्लॉग को यार सब्सक्राइब करो, जितने भी न्यू आते हो यार चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया करो, बेल आइकन दबा दिया करो। मैं बहुत बढ़िया बढ़िया ब्लॉग लेके आता हूँ, इसी वजह से मतलब आप लोग बोर ना हो। तो आपके ऊपर डिपेंड है यार चैनल पूरा का पूरा ना, तो देख लो आप किस तरीके से उठाना है मुझे, किस तरीके से नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं इतना आगे आके अब मैं गिव अप करूं या कुछ भी, क्योंकि हो रहा है यार। मैं देख रहा हूं कंटिन्यूसली तीन दिन से मतलब पाँच छः इस तरीके से सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है सीरियसली। तो भाई इतना ज़्यादा डिमोटिवेट मत करो कि मैं छोड़ ही दूँ। कितना ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है आज यार, ऐसा क्यों हो रहा है मालूम नहीं, आई डोंट नो, लेकिन वाकई में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ही ज़्यादा। तो भाई अभी मैं आ चुका हूँ संगम विहार के मतलब हमदर्द जो रास्ता है ना उसके पास में हूँ, और बत्रा जा रहा हूँ। बत्रा जाके जो है राइट साइड में आएगा एक कब्रिस्तान, वहाँ जाना है, वहाँ जाके देखते हैं क्या होता है, क्या हैपन होता है मेरे साथ, क्या नहीं होता। और आज मैं अकेले ही हूँ, कोई नहीं है साथ मेरा, तो मैं ये होगा कि मतलब सेल्फी टाइप का ही वीडियो बन पाएगा, और मैं तुम्हारे सारी चीज़ों में दिखाता रहूँगा जो भी होगा, इंसिडेंट वगैरह एनीथिंग एल्स जो भी होगा, देखते हैं व्हाट हैपन विद अस। मैं अकेले ही जा रहा हूँ आज ना, मैं प्रूफ करना चाहता हूँ कुछ, वो चीज़ प्रूफ करके उसके बाद मैं तुम्हें बताऊँगा। तो चलो बने रहो ब्लॉग में और देखो। तो आज मेरे को कुछ मिला नहीं है दिन में, तो इसलिए मैंने सोचा चलो कोई नहीं रात का वेट करते हैं। अभी बज रहा है पूरे 10, तो 10 बजे जा रहा हूँ, ताकि मतलब थोड़ा पहले जा रहा हूँ यार, 12 बजे जाने की हिम्मत नहीं हो रही अकेले, तो मैं 10 बजे ही जा रहा हूँ उस कब्रिस्तान में, और देखता हूँ कि क्या है क्या नहीं है सारी चीज़ें। मैं तुम्हें दिखाऊँगा पूरी तरीके से कैसा है कैसा नहीं है, और सेफ्टी के लिए मैं लाइटर रखता हूँ हमेशा जो है लाइटर रखता हूँ। तो अभी मैं आ चुका हूँ, और यहाँ से ना पास में ही है वो जगह ना पास में ही है। तो अभी देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है सारी चीज़ें। और इतना ज़्यादा जो उजाला दिख रहा है ना, इतना ज़्यादा उजाला होगा नहीं वहाँ पर, लेट्स सी व्हाट हैपन विद अस। तो देखते हैं, इधर ही आसपास है, और पुलिस वाले भी खड़े हैं, तो आई गेस हो सकता है कि मतलब मना करें ये। तो इन्होंने तो रोका नहीं, वैसे पुलिस वाले ने रोका नहीं, यहाँ तो बंद है यार,
इन्होंने बंद कर रखी है। अब मैं पूछता हूँ कि कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। यहाँ पे एक कब्रिस्तान था ना, कहाँ पर है वो? हाँ यही है। तो अभी क्लोज रहता है? हाँ बंद रहता है। तो खुलता नहीं है? बंद रहता है। इधर से तो इसका कोई और गेट होता है, बात चला गया। दिन में तो खुला रहता है। अच्छा दिन में खुला रहता है, रात में बंद रहता है। कुछ नहीं परेशान है भाई। मैं देख रहा था कि मतलब एक बार उसके अंदर जाने में रात में क्या होता है, और कुछ नहीं। कौन सा चैनल है गुरु? सद्दाम व्लॉग्स है मेरा। लग रहा था देखा तुम्हारा। अच्छा देखा होगा। अच्छा चलो अच्छा लगा। हाँ दरियागंज में ज़्यादा रहता हूँ वहाँ पे ना, मतलब नाइट में तो खाने के लिए काफ़ी अच्छा है ना वहाँ। हाँ तो अराउंड वही है, 2-3 बजे तक मैं जाता हूँ वहाँ रात में खाने। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। मैंने लगाया खुद से। हाँ मेरा मोहम्मद सद्दाम है। रहने वाले मैं संगम विहार का हूँ। मैं संकट विहार से ही हूँ। मतलब ये है कि ज़्यादातर संगम भैर में आई ब्लॉक में रहता हूँ। हाँ देवेंद्र भाई की भेंट में पहले पंडित जी हुआ करते थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया। तो आप यहाँ पे मतलब अभी पेट्रोल पे हो ना? पीसीआर पे हैं, जैसे कॉल आई तो कॉल अटेंड करके फिर अपने यहाँ से खड़े हो गए। अच्छा तो नाइट ड्यूटी है? हाँ नाइट ड्यूटी है। ये सही है यार। वैसे तो बेसिक लाइफ एंजॉय करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो। काहे का लाइफ एंजॉय यार, इसमें भी मतलब तुम्हें लगता है बहुत आसान होता है लेकिन नहीं होता। अभी मैं जॉब से आने के बाद फिर मैं ये स्टार्ट कराया। सोचो अभी यहाँ से जाऊँगा, फिर मैं वीडियो एडिट करूँगा, एडिट करने के बाद कहीं जाके 2-2.5 बजे तक सोऊँगा। मैं जॉब PVR सिनेमा में करता हूँ। संगम सिनेमा RK पुरम में है वो, वहाँ पर। कितने हो रहे हैं? 13,000 प्लस हैं अभी। मतलब ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, नहीं हुए, लेकिन वीडियोस काफ़ी अच्छे वायरल होते हैं मेरे। जो भी मतलब मैं दिखाता हूँ वो चीज़ काफ़ी लोग पसंद करते हैं। अभी मैं लास्ट टाइम गया था यहाँ से ओली गया था दिल्ली से। ओली बर्फ़ वाली जगह है ना उत्तराखंड में। हाँ देन ओली से फिर डायरेक्ट चला गया था मैं चोपटा, वहाँ मंदिर है तुंगनाथ। हाँ तो तुंगनाथ मंदिर पे गया, उसके बाद चंद्रशिला पे चढ़ाई करी थी, देन उसके बाद दोबारा दिल्ली वापस आया था। हाँ क्योंकि एक चीज़ मैंने देखी है कि मतलब ठंड में उस पर चढ़ने में ना भाई साहब क्या बुरी हालत होती है। आदत सी हो गई ना। नहीं भपका नहीं लगता क्योंकि मतलब काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट होता है ना इस वजह से, और ये शीशा खुला रहता है यहाँ से। ये जो है ना ये चीज़ यहाँ से ना हवा आती रहती है तो सिर में लगती है डायरेक्ट, तो इस चीज़ की वजह से ठंडक बनी रहती है अंदर। इस हेलमेट की कॉस्ट है 4200, 4200 रुपये का है। हाँ 4200। ये मैंने करोल बाग से लिया था, इसका मतलब कंपनी है पूरी। हाँ एग्जोर का हेलमेट है। हाँ हाँ अच्छा वो मतलब यहाँ से जो खुलता है। असल बात है वो हम ले नहीं सकते ना, क्योंकि अगर वो खुलता रहेगा तो फिर ये कैमरे भी दिक्कत करेगी ना, इस वजह से नहीं लेते हम। ये डायरेक्ट रहता है तो मतलब सेफ्टी रहती है। दूसरी चीज़ है ये तो 40 की देती है, मतलब अगर मेंटेन करके रखोगे तो। वैसे ये 4 साल होने को है। हाँ कंडीशन में हमेशा सही रख के, क्योंकि हमारा ट्रैवल का काम होता है तो कब कहाँ ख़राब हो जाए वो चीज़ ध्यान रखना पड़ता है ना। हाँ हम कहीं भी जाते हैं जैसे। हाँ अब ये है कि नेक्स्ट मंथ के एंड में। हाँ नहीं नहीं ये रहता है ये चीज़ ना। यह है कि नेक्स्ट
लास्ट जून में मैं यहाँ से बिहार निकलूँगा। हाँ, 1200 से 1250 किलोमीटर है यहाँ से, तो वहाँ जाऊँगा। देन उसके बाद नेपाल, नेपाल से फिर वापस आऊँगा। आई ब्लॉग 9 नंबर गली में। हाँ श्योर, कोई दिक्कत नहीं है, आओ घर पे चाय पानी पियेंगे, कोई दिक्कत। ठीक है, ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। ओके, नमस्ते अंकल। तो भाई इसे कहते हैं काइंड हार्टेड पर्सन, जिस तरीके से मतलब इन्होंने बात करी ना एज अ फ्रेंडली। अगर दूसरे लोग होते तो वो यही कहते कि यार कौन है तू, ये वो फलान ढिकाना, बहुत सारी चीज़ें बोलते। बट इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इन्होंने डिसेंटली बहुत अच्छे से बात किया, प्यार से बात किया। वाकई में अब ये लग रहा है कि हाँ, ही दिस गाइज आर अ दिल्ली पुलिस। रियली अच्छा लगा मुझे इनसे मिल गया ना, काफ़ी अच्छा लगा। इवन ये इन्होंने ये कहा कि मतलब मैं घर पर आना चाहूँगा और मतलब मिलना चाहूँगा, तो अच्छा लगता है यार, ऐसे लोग जब घर पर आते हैं ना बहुत अच्छा लगता है। तो 100 ब्लॉग तो हो नहीं पाया, लेकिन हाँ एक काइंड हार्टेड पर्सन को मैंने दिखाया। जो लोग मतलब नाइट ड्यूटी कर रहे हैं और स्टिल कंटिन्यूसली जो है वहाँ पे वेट कर रहे हैं कि मतलब जब भी पी कोई एमरजेंसी आ गई, कॉल आ गई, तो ये तुरंत पहुँचेंगे उनके हेल्प के लिए। तो ये अच्छा लगता है यार। तो चलो मैं बात करता हूँ तुम्हें।